बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनज़्ज़ा गफूर और आपको जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद कहती हूं। आज हम यूनिट 4 डेसिमल नंबर्स एंड परसेंटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी ऑन पेज नंबर 58 मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय द होल नंबर। नाउ अगेन ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को फॉलो किया जाता है और उनको फॉलो करने के बाद हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और फिर इस प्रोडक्ट में डेसिमल प्लेसेस को प्लेस किया जाता है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द सेम थिंग थ्रू एन एग्जांपल। पेज 59 एग्जांपल 1। लेट्स मल्टीप्लाई 4.82 बाय 3.54। सो अगेन हम मल्टीप्लिकेशन के सिंपल रूल्स को फॉलो करेंगे एंड नाउ लेट्स सी स्टेप 1। Ignore the decimal points and multiply the numbers as a whole numbers. यानी कि जैसे हम normally multiplication करते हैं हम वैसे ही multiplication करेंगे और multiplication के दौरान हम इस decimal places को ignore कर देंगे। इस decimals को बिल्कुल completely ignore कर दिया जाएगा। Now step 2, after getting the product, count the decimal places in the multiplicand and multiplier. Now for example, in this question, 4.82 is the multiplicand, 3.54 is the multiplier. So therefore, multiplicand or multiplier mein hum count karenge ki decimal places ke baad kitni values hain. So wo hain 1, 2, 3, 4. Yani ke 0.82 mein 2 hain aur 0.54 mein 2 hain. That makes 4. Ab hum product ki taraf chalte hain. Product jo hai hamara 170628 है। प्रोडक्ट के राइट साइड से हम 4 डेसिमल प्लेसेस मूव करेंगे एंड द आंसर इज गोइंग टू बी 17.0628, जो कि हम स्टेप 3 में देख सकते हैं। नाउ प्लेस द डेसिमल पॉइंट्स इन द प्रोडक्ट एट द सेम नंबर ऑफ प्लेसेस एज इन द मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर ऑल टुगेदर। इस सवाल में चूंकि 4 थे इसलिए हमने 4 डिजिट्स उसको मूव कर दिया है। डियर टीचर्स, आई होप अब तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ। शुक्रिया।